करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी दोस्तों मंगल पांडे की, परसों इनकी पुण्यतिथि थी दोस्तों, तो आज हम मंगल पांडे की बात करेंगे। पहले रेवोल्यूशनरी हम इनको बोलेंगे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को शुरू करने वाले सुपर हीरो ऑफ इंडिया मंगल पांडे। ये कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे महान इंसान हैं, महान लोग हैं जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, देश के लिए आगे इन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में होता है, जान सबको प्यारी है। ये हो गए सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन मंगल पांडे का नाम स्वर्णिम अक्षरों में इसलिए लिखा जाएगा, देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वो एक रेवोल्यूशनरी फेज ऑलरेडी चल रहा था, है ना। रेवोल्यूशनरी फेज जो कि मोटे मोटे तौर पर 1905 के बाद से स्टार्ट हुआ था और वो पूरा 1931 तक चला, है ना। अलग अलग वक्त पे अलग अलग इंसिडेंट हुए, वो रेवोल्यूशनरी फेज चल रहा था। और जब भगत सिंह आए तो अपने चरम पे था। लेकिन मंगल पांडे ने जब ये कुछ सब कुछ स्टार्ट किया तब ऐसा कोई फेज नहीं था। इनफैक्ट ब्रिटिश एम्पायर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था। तो हम एक एक चीज की बात करेंगे दोस्तों और मंगल पांडे की बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मंगल पांडे एक मूवी भी है, आमिर खान उसमें है मंगल पांडे के किरदार में, आई होप आपने देखी होगी। बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई थी लेकिन अच्छी मूवी, आप देखिएगा जरूर। सिरंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चेक की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने एक बेहतरीन किताब लिखी है दोस्तों, स्टूडेंट्स की लाइफ पे आधारित, फेलियर टू ट्रायम्फ, पढ़िएगा दोस्तों यकीनन। इस किताब को पढ़ने के बाद आप अपने आप को बदला हुआ पाएंगे। तो प्री बुकिंग जो है वो स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे स्टार्ट हो गई है। बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि स्टडी आईक्यू ने ऐप लॉन्च कर दिया है, हमने ऐप लॉन्च कर दिया, मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं। अच्छा, मंगल पांडे को हम क्यों जानते हैं? इसके बाद 1857 की वॉर स्टार्ट हो गई, है ना। हालांकि इसको सिपॉय म्यूटिनी बोला जाता है, आज भी किताबों में आपको सिपॉय म्यूटिनी मिलेगा क्योंकि हम लोग इधर ओल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन आप ब्रिटिशर को छोड़िए, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ठीक है ना। तो मैंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कवर किया है, ब्रिटिश कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया कवर किया 1757 से लेकर 1857 और उसके बाद फिर 1947 तक, ये सब मैंने कवर किया है दोस्तों स्टडी आईक्यू के ऐप पे। तो ये ऐप पे आपको मेरे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे इंक्लूडिंग 1857 का वॉर। तो एक घंटे का वो सेशन है, आप जरूर देखिएगा। तो इसको बस आपको डाउनलोड करना है। अभी तो ये सिर्फ एंड्रॉइड के लिए है, iOS के लिए नहीं है, लेकिन 2 महीने बाद ये iOS पे भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आई। पांडे की बात करें तो रिकॉर्ड के हिसाब से इनका जन्म 19 जुलाई 1827 में हुआ था। ब्राह्मण थे मंगल पांडे, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, समझ गए। तो यूपी में ये जन्मे। अब ज्यादा इनके बचपन क्या था, कैसा था, ये तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज तो है कि मंगल पांडे जो थे वो बड़े, मतलब बड़े लंबे चौड़े थे, बड़े हट्टे कट्टे थे, पहलवानी करते थे, जी हाँ। और उसके बाद इन्होंने 1949 में बंगाल आर्मी ज्वाइन किया। उस समय क्या था दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको भारत की कंडीशन बताना चाहता हूं। देखिए भारत की बात करें तो आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में, मतलब 17th सेंचुरी में भारत में आना शुरू हो गई थी। अब यहां पे 1600 में और 1615 में थॉमस रॉड विलियम हॉकिंस आए, जहांगीर उस समय रूल कर रहे थे और उन्होंने इजाजत दे दी कि आप आके बिजनेस कर सकते हो। फिर फैक्ट्रीज उन्होंने बहुत सारी बनाई, उसके बाद उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया, बंगाल को अपना सेंटर बनाया, बहुत कुछ हुआ दोस्तों। सब मैंने कवर किया है ऐप में, कोर्स है ब्रिटिश ने कैसे भारत को कंसोलिडेट किया, उसमें मैंने सब कुछ समझाया है, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर, सब कुछ। तो दोस्तों 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी लड़ी गई, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई। ये दो बैटल बहुत ही निर्णायक बैटल थी। अच्छा, 1764 आते आते ब्रिटिशर ने सबको हरा ही दिया था, फ्रेंच को हरा दिया था, कार्नेटिक वॉर्स लड़ लिए थे, फ्रांस जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हार गई, ठीक है। इधर जो थे ये बंगाल को पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया 1764 के बाद, नॉर्थ को पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। 1757 में जब सिराजुद्दौला को हराया तो बंगाल उनके कंट्रोल में, और 1764 में आखिरी कील ठोक दी यहां पे ये ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। इधर जो दानिश थे उनको भी हरा दिया। तो कहने का मतलब है कि ज्यादातर जो विदेशी ताकतें थी ब्रिटिशर ने उनको हरा दिया, और अब उनका एक ही मकसद था कि जो भारत में रूलर्स हैं उनको हराओ, ठीक। तो सबसे पहले तो उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया, फोर्ट विलियम्स बनाया। देखिए बंगाल में क्या था, ये लोग एक एडमिनिस्ट्रेटर रखते थे, इनकी 3 प्रेसिडेंसीज थी,
सबसे पहले इन्होंने बंगाल पे कब्जा किया। बंगाल की अच्छी बात यह थी कि बंगाल एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, वहां से आप साउथ ईस्ट एशिया जा सकते थे, ठीक है। वो समुंदर के किनारे था, बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ, तो ट्रेड बहुत अच्छे से होता था, फिर फर्टाइल बहुत ज्यादा था, तो वहां से रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मराठाओं को हराया इन्होंने, ठीक है, तीन मराठा वॉर लड़ी, ये सब मैंने कवर किया है दोस्तों, ऐप आप डाउनलोड करिएगा, उसमें सब कुछ है, ठीक है। मराठाओं को हराया इन्होंने, उसके बाद मैसूर वॉर लड़ी, तो इधर साउथ में इनकी पैठ हो गई। उसके बाद जो आखिरी थे सिख, सिखों को हराया इन्होंने और पूरे भारत पे इनका रूल हो गया, ठीक है। दो भारत चल रहे थे, एक था प्रिंसली स्टेट का 1857 आते आते, एक था प्रिंसली स्टेट का और दूसरा भारत ये ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है। तो एक आधे पे राजा रजवाड़े जो कि अल्टीमेटली ब्रिटिश के ही अंडर थे, ठीक है, उन्हीं की बात मानते थे, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं थे, स्वायत्तता नहीं थी इतनी उनको, और आधे पे ब्रिटिश एम्पायर रूल कर रहा था। अब 100 साल 1757 से लेकर 1857 तक, ये 100 साल में भारत की हालत हो गई थी खराब। भारत को पूरी तरीके से लूट लिया, बार बार एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाने लगे, लेकिन उसमें भी टैक्सेशन जो था वो बहुत ज्यादा हाई था, परमानेंट सेटलमेंट, फिर रियोतवाड़ी सिस्टम, पूरी तरीके से यहां पे भारत को खत्म कर दिया। भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको खत्म कर दिया, हर कोई गरीबी में डूब गया। यहां पे जो वर्कर्स थे, ठीक है, जो आर्टिस्ट थे, जो बहुत बढ़िया कढ़ाई बुनाई करते थे, एक समय पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो इतनी ज्यादा थी, भारत पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में 1/3 कॉन्ट्रीब्यूट करता था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो जब भी हम 1857 को जब भी स्टडी करते हैं तो उसके इकोनॉमिक कॉजेस, ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेस और सोशल कॉजेस देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सब कुछ कंसोलिडेट करके एक ही में बता दिया। तो भारत की बहुत बुरी हालत थी और जो इंडियंस थे वो भी ब्रिटिशर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे, ठीक है। अब कुछ इविल प्रैक्टिसेस थी जो भले ही ब्रिटिशर ने खत्म कर दी, बहुत अच्छी बात थी, विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ दोस्तों, सती प्रथा बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इंडियंस को क्या लगा कि हमारे कल्चर में हस्तक्षेप कर रहे हैं, है ना। तो 1857 आते आते दोस्तों क्या मतलब कमाई के क्या साधन थे, या तो आप खेती करिए, खेती में भी बहुत ज्यादा टैक्सेस, किसान बहुत ज्यादा परेशान, तो ज्यादातर इंडियंस क्या करते थे, आर्मी ज्वाइन कर लेते थे। उस समय भारतीयों के लिए यह बोला गया था कि दे आर पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म। इतनी ज्यादा गरीबी थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी कि ज्यादातर लोग आर्मी ज्वाइन कर लेते थे, जो किसान थे उनको ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा था तो आर्मी चले जाते थे। मंगल पांडे ने भी यही किया, मंगल पांडे ने भी आर्मी ज्वाइन कर ली। अब इसको ब्रिटिश को बहुत ज्यादा ताकत मिल रही थी, लेकिन अभी तक कंपनी राज है, अभी तक ब्रिटिश ने पूरी अथॉरिटी अपने कब्जे में नहीं ली है, अभी यह क्रांति शुरू नहीं हुई है ना। मंगल पांडे ने जो किया वो इमीडिएट कॉज में आता है, मतलब 100 साल का ये गुस्सा एकदम से फट पड़ा। अब क्या हुआ, मंगल पांडे ने 1849 में बंगाल आर्मी को ज्वाइन किया और मैंने बताया कि बंगाल में तो पूरा कब्जा हो गया था, बंगाल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, ब्रिटिशर ने पूरा लूट लिया था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये सोल्जर थे। 1857 में क्या हुआ, मंगल पांडे जो थे अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, उस समय ऊंच जात नीच जात बहुत था, मंगल पांडे थे ब्राह्मण, है ना, ऊंची कास्ट के थे, छुआछूत उस समय बहुत ज्यादा चलता था, ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस याद रखिएगा, P-53 एनफील्ड राइफल ये इंट्रोड्यूस कर दी थी उस समय ब्रिटिशर ने। ये क्या थी, ये एक नई तरीके की राइफल थी, है ना, इसमें जो बुलेट्स होती थी ना, जो बुलेट्स होती थी उसके पीछे ग्रीस लगी रहती थी, उसको आपको दांत से काटना पड़ता था और फिर इस राइफल में डालना पड़ता था। अब र्यूमर फैल गई कि ये जो पीछे ग्रीस लगी है ये गाय और सुअर की चर्बी इसमें है, गाय और सुअर की चर्बी मिक्स की गई है इसमें। ये कितना सच था कितना नहीं, ये आज भी डाउटफुल है, ये था कि नहीं, चर्बी लगी हुई थी कि मतलब वो नॉर्मल ग्रीस थी, ये अभी भी डाउटफुल है, अभी भी कुछ कोई कह नहीं सकता, लेकिन ये र्यूमर तो फैल गई। अब मंगल पांडे थे ब्राह्मण, मंगल पांडे आर्मी में काम करते थे, मंगल पांडे के कुछ दोस्त भी थे, ठीक है, कुछ अंग्रेज दोस्त थे जो मंगल पांडे के साथ रहे, आखिरी दम तक साथ रहे। तो मंगल पांडे इस बात को शुरू में मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो गाय है वो ब्राह्मणों के लिए बहुत पवित्र है, हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है, आपको पता ही है, गाय को भगवान माना गया है, वेदों में उसको भगवान बोला गया है, है ना, पूरा जो कलयुग का आरंभ है उसको भी एज अ काउ ही डिपिक्ट किया गया है,
गाय के जो चार पैर हैं उसको तो युगों से यहां पे कनेक्ट किया गया ना हमारे शास्त्रों के हिसाब से, तो गाय हमारे लिए बहुत ज्यादा प्योर है, बहुत पवित्र है, और जो सुअर है वो मुस्लिमों के लिए हराम है। ठीक है, तो यहां पे ये र्यूमर फैल गई कि ये जो ग्रीस लगी, तो ये जो पीछे ग्रीस लगी है इसमें गाय और सुअर का मांस लगा हुआ है और वही काटना पड़ता है। तो शुरू में तो मंगल पांडे ने माना नहीं, लेकिन मंगल पांडे आर्मी में काम करते थे तो इनको सब बहुत चढ़ाने लगे कि बहुत आर्मी में काम करते हो, बहुत अपनी जात पे तुमको घमंड है ना, जाके देखो जो तुम कर रहे हो, सुअर की गाय और सुअर की चर्बी है वो तुम अपने दांत से लगा रहे हो। तो मंगल पांडे ने बोला, मतलब थोड़ा बहुत डांटा और बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा फैक्ट्रीज में कि सच में सुअर और गाय लटकी हुई हैं, उनके मांस जो है वो लटक रहे हैं और जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है वो इस तरीके से हो रही है, अभी सच है कि नहीं है ये जैसा कि मैंने बताया अभी तक उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, लेकिन जब मंगल पांडे ने ये देखा तब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आई, वो एकदम आग बबूला हो गए कि यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी पे हम इतना भरोसा करते हैं और उन्होंने एक तरीके से हमको धोखा दिया है, और उस समय धर्म से आप गद्दारी नहीं कर सकते थे, समझ रहे हैं। तो मंगल पांडे का हो गया मूड खराब। दोपहर 29 मार्च दोपहर के 1 बजे 29 मार्च को क्या हुआ, 1857 की बात है, लेफ्टिनेंट बॉफ को चुनौती दे दी यहां पे मंगल पांडे ने। मंगल पांडे बहुत ही ज्यादा गुस्से में, ऐसा हो कैसे सकता है, लेके गए अपनी जो बंदूक है और चुनौती दे दी यहां पे लेफ्टिनेंट बॉफ को, समझ रहे हैं। बैरकपुर में उस समय मंगल पांडे पोस्टेड थे और उस समय आर्मी को यह पता चल गया था कि कुछ लोग जो है उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है यही ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस को लेके। अब मंगल पांडे ने पूरा प्लान बना लिया था कि हम क्या करेंगे, हम अटैक करेंगे इनकी जो इन्फेंट्री है इनको अटैक करेंगे और रिबेल करेंगे, विद्रोह करेंगे इनके खिलाफ। अब ब्रिटिशर को यह पता चल गया, समझ रहे हैं। तो भैया जो लेफ्टिनेंट बॉफ थे जब इनको पता चला और जब मंगल पांडे ने चुनौती दी तो मंगल पांडे तो वैसे ही आग बबूला थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इधर लेफ्टिनेंट बॉफ आए, मंगल पांडे ने अपनी बंदूक उठाई, फायर किया, लेफ्टिनेंट बॉफ को तो नहीं मिली लेकिन मंगल जो लेफ्टिनेंट बॉफ है वो अपने घोड़े से गिर गए, है ना, और उसके बाद कॉलर पकड़ के तलवार निकाल के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉफ को दौड़ा लिया। जी बिल्कुल, अब इनकी हालत खराब। अब यहां पे दोस्तों आर्मी थोड़ी बटी हुई थी, पूरी आर्मी नहीं है यहां पे, एक टुकड़ी है वो बटी हुई थी, कुछ जो थे वो मंगल पांडे के साथ थे, मुस्लिम्स भी यहां पे मंगल पांडे के साथ थे क्योंकि मुस्लिमों के लिए भी सुअर की चर्बी बहुत खराब है, वो बहुत खराब माना जाता है, और जो अपर कास्ट ब्राह्मण थे वो तो थे ही मंगल पांडे के साथ, समझ रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि यहां पे लेफ्टिनेंट बॉफ को मदद की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने एक सिपाही शेख पलटू को बोला कि मदद करो और इसको कब्जे में लो, क्योंकि मंगल पांडे बहुत ज्यादा ताकतवर थे, भुजाएं जो थी वो बहुत बड़ी थी इनकी, बड़े लंबे चौड़े, हालत खराब, तो इतना आसान नहीं था मंगल पांडे को कंट्रोल करना, मंगल पांडे अकेले ही 10 को संभाल लेते। तो यहां पे काफी सोल्जर्स को बुलाना पड़ा ताकि मंगल पांडे को कंट्रोल में किया जा सके, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल में नहीं आए। फिर सार्जेंट मेजर ह्यूसन को बुलाया कि आइए कुछ और अपने साथ पूरी रिइंफोर्समेंट लेके आइए, ठीक है, और इनको कंट्रोल में करिए क्योंकि यहां पे इन लोगों ने विद्रोह कर दिया है। तो एक तरीके से मंगल पांडे वर्सेस द होल ऑफ इन्फेंट्री हो गया, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों यहां पे संख्या बहुत ज्यादा थी जो आर्मी थी और मंगल पांडे के पास ज्यादा आदमी नहीं थे और मंगल पांडे अकेले लड़ भी नहीं सकते थे। मंगल पांडे को अरेस्ट किया गया, ट्रायल हुआ, मंगल पांडे को तुरंत ही, देखिए अब ये मार्च में हुआ 29 मार्च, और 18 अप्रैल को इनको फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को इनको फांसी पे लटका दिया गया था। जी हां, 8 अप्रैल को ही इनको फांसी पे लटका दिया गया था, और जब 8 अप्रैल को इनको फांसी पे लटकाया गया तो ये पब्लिकली थी, ठीक है, ये पब्लिक हैंगिंग थी, हर कोई खड़ा हुआ था, हर कोई देख रहा था इनकी फांसी को, ठीक है, लेकिन मंगल पांडे ने उफ तक नहीं की। और उसके बाद हम देखते हैं मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857। जब यह खबर फैली तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था। एक तो आपने वैसे ही ये 100 साल का गुस्सा फट पड़ा, ऊपर से आपने एक ब्राह्मण को मारा, तो अपर कास्ट जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं। अब इसके सोशल कॉज भी बहुत थे, ऊपर से अब मुस्लिमों ने भी जवाब दे दिया कि आप तो नहीं छोड़ेंगे। और 1857 में दोस्तों फाइनली
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत हो जाती है जब मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और उसके बाद यह आग पूरे भारत में फैल गई। हालांकि इसको सिपाही म्यूटिनी बोला जाता है क्योंकि देखिए ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि ये जो बात है ये फैले। ब्रिटिशर बोलते हैं, आज भी ब्रिटिशर बोलते हैं, जब आप उनकी किताबों को पढ़ेंगे ओल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच पे जाएंगे तो वो बोलते हैं कि ये कोई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, ये तो छोटी सी लड़ाई थी और हमने खत्म कर दिया। एक साल चला था ये वॉर, आपको पता है 1858 आते आते इस वॉर को पूरी तरीके से खत्म किया गया था। हालत खराब हो गई थी, ब्रिटिशर को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। इधर रानी ऑफ झांसी लगी हुई है, इधर तात्या तोप लगे हुए हैं, इधर नाना साहेब लगे हुए हैं, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हम वॉर नहीं जीत पाए, डेफिनेटली यूनिटी नहीं थी। बहादुर शाह जफर को जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे उनको यहां पे हम देखते हैं कि एम्परर घोषित कर दिया कि आपके लीडरशिप में हम ये वॉर लड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि बहादुर शाह जफर उस समय बहुत बूढ़े थे, 60-62 साल के थे। अब इतने बूढ़े इंसान को आप लीडर बना रहे हैं तो फिर उसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक लीडर तो चाहिए ना। तो यहां पे मेरठ में रिबेलियन हुआ, मेरठ में रिबेलियन हुआ, फिर दिल्ली में रिबेलियन हुआ, उसके बाद दिल्ली में जो मतलब ये जो पूरा रिबेलियन हुआ, फिर यहां पे मेरठ में जब रिबेलियन हुआ 9 मई 1857 में, तो इसमें जो मेरठ के सिपाही थे वो भाग खड़े हुए, भाग के तुरंत गए दिल्ली और वहां पे बहादुर शाह जफर से मदद मांगी और बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान घोषित कर दिया और ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत हो गई। उसके बाद ये पूरे भारत में फैला, साउथ में इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है, लेकिन नॉर्थ एरिया में ये फैल गया, ये आग फैल गई और एक साल लगे थे दोस्तों, 1858 आते आते दोस्तों इस वॉर को खत्म किया गया था। अब ये पूरा मैंने एक एक चीज कवर की है, रानी और झांसी की बायोग्राफी कवर की है दोस्तों। आप देखिएगा, मराठा तो वैसे ही खार खाए हुए थे ना भैया, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जब 1818 में खत्म हुई तो मराठाओं से सारी ताकत छीन ली थी और मराठाओं को बिठा दिया था बिठूर कि दोबारा तुम इधर, बिठूर कानपुर में, दोबारा तुम इधर दिखोगे नहीं। तो मराठाओं का तो वैसे ही मूड खराब था, तो वैसे ही वो चाहते बदला लेना। तो यहां पे बैंड बजा दी थी ब्रिटिशर की, तो जो कुर्बानी थी मंगल पांडे की वो व्यर्थ नहीं गई। इसने एक ऐसे युद्ध को जन्म दिया जो हम भले ही नहीं जीते, लेकिन इसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए भारत में, है ना। तो ये चीज, आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मंगल पांडे की कोई बायोग्राफी नहीं लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत कुछ लिखा गया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।